हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैप्टर नंबर 36 ऑफ द मेयर ऑफ कास्टरबीच, रिटन बाय थॉमस हार्डी। चैप्टर नंबर 36 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब रोसेटा वापस लौटती है अपनी मीटिंग से एंचर्ड के साथ, तो उसे जोशुआ जॉक मिलता है, उसे वेट करता हुआ। और उसने सुना है कि फारफ्रे जो है एक बिजनेस पार्टनर के लिए जो तलाश कर रहा है, और पूछता है कि क्या वो उसका नाम रिकमेंड कर सकती है। वो मना कर देती है और वो डिसअपॉइंट होकर घर लौटाता है। जब जोशुआ जॉब जो है वो घर लौटता है, हैंचर्ड जो है उसे एक पैकेट देने को कहता है मिसेस फारफ्रे यानी कि लुसेटा को। जॉब जो है उस पैकेट को इंस्पेक्ट करता है, देखता है, और उसमें उसको क्या मिलता है, लेटर्स मिलते हैं, और उनको डिलीवर करने के लिए वो वहां से निकल पड़ता है। और जब वो जा रहा होता है तो वो एक जो पहले भी आ चुकी है किसान औरत है, एक मदर कक्सम और नैंस मॉकरीज दोनों से, जो उसे बताती हैं कि वे कहाँ जा रही हैं, मिक्सन लेन जो कि सेंटर है किसका, मच दैट, ये मैं आपको ओरिजिनल लाइन पढ़ के सुना रहा हूँ, मच दैट वॉज सैड, मच दैट वॉज लो, समथिंग दैट वर बेनफुल। ये ध्यान रखना, ये ओरिजिनल लाइन है, और ये लाइन्स किसके लिए बोली गई हैं, किस लाइन के लिए, किस जगह के लिए बोली गई हैं, तो जगह का नाम आपको याद रखना है मिक्सन लेन। तो ये मिक्सन लेन जो है उसके बारे में क्या बोला गया है कि कुछ बुरी चीज़ें हैं, कुछ सैड चीज़ें हैं, कुछ है ना लो, कुछ यू नो डाउन चीज़ें जो है। यहाँ पर लो के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, जैसे कि मूड से रिलेटेड, जैसे कि सैडनेस से रिलेटेड, है ना, तो वो हमें आगे जाके पता लगेगा। तो कास्टरबीच में जगह है ये, जोक जो है वो उनके साथ जाता है और उसे वो फॉर्मिटी वुमन मिलती है फिर से, है ना, जो उससे उस पार्सल के बारे में पूछती है जो उसके पास है। वो उसे रिप्लाई करता है कि ये लव लेटर्स हैं, और उनको जोर जोर से भीड़ के सामने पढ़ने लगता है। नैंस मॉकरिज जो है वो एक्सक्लेम करती है कि क्या लुसेटा इन लेटर्स की ऑथर है, और फिर वो कहती है कि ये इन्फॉर्मेशन तो बहुत ही अच्छी है हमारी स्किमिटी राइड के लिए, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि एक ट्रेडिशन है इंग्लिश, जो जिसका पर्पज़ क्या है कि अडल्ट्री जो होती है, मतलब आउट ऑफ मैरिज जो अफेयर होता है उसको डिसअप्रूव करना। एक स्ट्रेंजर जो है जिसने कि फर कोट पहन रखा है और सील की स्किन, सील जो समुद्री एनिमल होता है उसकी कैप पहन रखी है, वो इस चीज़ में, इस कस्टम में एक्सप्रेस करता है अपना इंटरेस्ट, और कुछ क्या करता है, पैसे देता है सेरेमनी के लिए। जॉब जो है वो घर लौटता है और उसको वापस से सील करता है लेटर्स को, और लुसेटा को अगली मॉर्निंग को डिलीवर कर देता है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 36 खत्म हो जाता है। चैप्टर 37 में हम देखते हैं कि कास्टरबीज जो है वहाँ पर सून ही, जल्दी ही कोई एक रॉयल फैमिली से व्यक्ति आने वाला है, उस टाउन से गुजरेगा जो, और टाउन काउंसिल जो है वो उस एस्टीम्ड गेस्ट को, जो मीटिंग होने वाली है उसको, यू नो, उसको एड्रेस करने के लिए आपस में मीटिंग करते हैं। हैंचर्ड उस मीटिंग के बीच में आता है और पूछता है कि क्या वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। फारफ्रे जो है वो कहता है कि हैंचर्ड का इन्वॉल्वमेंट सही नहीं रहेगा, बिकॉज हैंचर्ड जो है वो काउंसिल का मेंबर नहीं है। हैंचर्ड ये कसम खाता है कि वो अपने ही तरीके से उस रॉयल व्यक्ति का वेलकम करेगा। और वो स्पेशल डे आता है जब शाही गाड़ी जो है वो रुकती है, तो एक ड्रंकन हैंचर्ड, मतलब पिया हुआ, पियक्कड़ एकदम, जो है वो खड़ा हो जाता है, अपने हाथ में एक खुद का बनाया हुआ झंडा है वो लहराता हुआ, है ना। फारफ्रे जो है वो फोर्स फुली, मतलब जोर से जबरदस्ती से उसको, हैंचर्ड को घसीट कर ले आता है, साइड में ले आता है, यानी कि उस कैरियज के सामने से, उस गाड़ी के सामने से हटा कर ले जाता है। और चैप्टर 37 जो है इस तरह से इस घटना के साथ ही खत्म हो जाता है। चैप्टर 38 में फारफ्रे ने जो ट्रीटमेंट किया है हैंचर्ड के साथ घसीटने वाला, उससे बहुत ही गुस्सा हो जाता है वो। फारफ्रे के घर पे एक मैसेज छोड़ता है कि फारफ्रे उसको जो अनाज के भंडार है, ग्रेनरीज हैं, वहाँ पर मिले। जब फारफ्रे वहाँ आता है तो हैंचर्ड जो है उसने अपनी एक बांह को, अपने एक बाजू को, एक आर्म को बांध लिया है ताकि वो बराबर लग सके। अब देखिए, हैंचर्ड एजड है, उसके बावजूद भी
इस घटना से हमें पता लगता है कि वो काफी पावरफुल है ना, उसके जो बॉडी स्ट्रक्चर है काफी पावरफुल है। तो वो अपने एक हाथ को बांध देता है ताकि वो बराबर हो सके, दोनों में एक लड़ाई होती है। हैंचर हालांकि फारफ्रे से ताकतवर निकलता है लेकिन वो उसको खत्म नहीं कर पाता, उसने अपनी एक बाजू बांध रखी है। फारफ्रे वहां से चला जाता है और हैंचर जो है ना वो उस समय शर्मिंदगी से भरा हुआ है, शेम से भरा हुआ है, और कुछ अच्छी यादें जो है फारफ्रे की उनसे भी उसके दिमाग में, मतलब वो भी उसके दिमाग में चल रही है अभी। उसके दिमाग में फारफ्रे को फिर से देखने की डिजायर आती है ना, परंतु फिर उसे याद आता है कि फारफ्रे जो है एक जर्नी पे जा रहा है वेदरबरी टाउन की किसी जगह पर, है ना, इसलिए वो उसकी जो इच्छा है देखने की उसको उसी वक्त दबा लेता है, मतलब वो उसको इस बारे में सोचना छोड़ देता है। तो मतलब ये जो चैप्टर है 38, इसमें हम देखते हैं कि फारफ्रे और हैंचर के बीच में झगड़ा होता है। हैंचर जो है वो भारी पड़ता है एक हाथ बना होने के बावजूद भी, लेकिन अल्टीमेटली वो जो करना चाहता है, खत्म करना चाहता है उसको, वो खत्म कर नहीं पाता और फारफ्रे वहां से चला जाता है। चैप्टर 39 में हम देखते हैं कि जो कहानी सुनाने वाला है वो हमें वापस लेके जाता है उस मोमेंट पे जब हैंचर और फारफ्रे की फाइट जो है वो चल रही है, उसके बाद जस्ट क्या होता है ना। फारफ्रे जो है वो जब परछत्ती से या लॉफ्ट से या छत जो ऊपर बना छज्जा बना होता है छत के नीचे थोड़ा सा, वहां से उतर के आ रहा है तो एबल विटिल जो है वो उसको एक नोट देता है जिसमें फारफ्रे से ये रिक्वेस्ट की गई है कि वो वेदरबरी में आए। नोट जो है वो फारफ्रे के किसी वर्कर ने उसको दिया है, जिस वर्कर्स ने दिया उसको, जिनको ये आशा है कि फारफ्रे जो है जब टाउन से बाहर चला जाएगा तो जो स्किबिटी राइड वो करने वाले हैं हैंचर्ड और लुसेटा के लिए, उसका जो डैमेजिंग इफेक्ट है शायद थोड़ा कम हो जाएगा। फारफ्रे जब चला जाता है वेदरबरी में तो लुसेटा जो है उसे दूर कहीं शोर शराबा सुनाई देता है। अपनी खिड़की के बाहर वो सुनती है कि दो जो काम करने वाली औरतें हैं, मेट्स हैं, वो प्रोसीडिंग के बारे में बात कर रही हैं, क्या चल रहा है बाहर। वो बताती है कि दो फिगर जो हैं वो एक दूसरे से कमर लगाकर बैक टू बैक जो है एक डोंकी पे गधे पे बैठे हुए हैं, है ना, और उनकी पैरेड निकाली जा रही है कास्टरब्रिज की गलियों में। एलिजाबेथ जेन जो है वो जैसे ही कमरे में आती है और शटर्स को बंद करने की कोशिश करती है, लुसेटा जो है उसको ये महसूस होता है कि जो फिगर्स हैं वो कौन है, वो खुद लुसेटा और हैंचर्ड हैं। उसे तुरंत पागलपन का चक्कर सा आता है और उसे सीजर जैसे मिर्गी का दौरा पड़ता है वैसे उसको हो जाता है, इस बात से डरते हुए कि उसका हस्बैंड जो है वो इस दृश्य को देख लेगा तो क्या होगा। एलिजाबेथ जेन जो है वो डॉक्टर को बुलाती है जो उसी वक्त जो है उस परिस्थिति की सीरियसनेस को पहचान लेता है और उसे कहता है कि वो फारफ्रे को तुरंत बुलाए। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर जो है 39 वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। वी मूव टू चैप्टर नंबर 40। ना जब हैंचर ने वो उसकी मिटीराइट देख ली है तो वो एलिजाबेथ को ढूंढने के लिए जो है वहां से चला जाता है जाता है। फारफ्रे के घर में आने के बाद और लुसेटा की कंडीशन को जानने के बाद हैंचर्ड जो है वो कहता है कि फारफ्रे जो है वो वेदरबरी नाम के टाउन जो है उसके रास्ते में मिल जाएगा, है ना कि बडमाउथ टाउन के रास्ते में या बडमाउथ टाउन में जैसा कि ओरिजिनली प्लान था। बिकॉज जब वो फाइट कर रहे थे तो उसने सुना था कि भाई वो बडमाउथ नहीं जा रहा है, वेदरबरी जा रहा है। तो क्योंकि कोई उसे विश्वास नहीं करता इसलिए वो खुद ही उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। अंततः उसे फारफ्रे मिलता है और वो फारफ्रे को कहता है कि वो कास्टरब्रिज जो है वहां पे लौट जाए, परंतु फारफ्रे उसकी बात पे विश्वास नहीं करता और लौटने से मना कर देता है। हैंचर जो है वापस से कास्टरब्रिज चला जाता है और उसे जाके पता लगता है कि लुसेटा की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जब वो घर लौटता है तो जोशुआ जॉब्स को बताता है कि कोई नाविक जैसा कोई व्यक्ति था वो उसे ढूंढने आया था जब वो बाहर गया हुआ था। फारफ्रे जो है अंततः लौटता है और किसी दूसरे डॉक्टर को बुलाता है, है ना। लुसेटा जो है थोड़ा सा शांत है जब उसका हस्बैंड उसके पास में आ गया है, है ना। वो पूरी रात उसके पास बैठा रहता है जबकि हैंचर जो है वो गलियों में घूम रहा है ना, क्या इंक्वायरी करते हुए कि पेशेंट की हेल्थ कैसी है। अगली सुबह जो है एक नौकरानी उसे बताती है कि लुसेटा जो है वो मर गई है, मतलब लुसेटा की डेथ हो गई है। इसी के साथ चैप्टर नंबर 40 क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। नंबर 41 से
लुसेटा की डेथ की न्यूज सुनने के बाद हैंचर्ड जो है वो घर जाता है और उसके थोड़ी देर बाद ही एलिजाबेथ जेन उसको मिलने आती है और वो सो जाती है। उस आने के बाद हैंचर्ड उसके लिए जब ब्रेकफास्ट बना रहा है, और हैंचर्ड जो है वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना आता, तो वो उसके जगने का इंतजार करता है, है ना। और उस समय उसके मन में एलिजाबेथ के प्रति बहुत प्यार आता है, उमड़ता है यूं बोल सकते हैं, और वो ऐसी आशा करता है कि वो एलिजाबेथ जो है उसे अपने पिता की तरह ट्रीट करेगी। तुरंत तभी एक व्यक्ति जो है वो दरवाजे पे नॉक करता है और अपना नाम जो है वो न्यूसन बताता है। आप समझ गए होंगे कि ये व्यक्ति कौन है। वो बताता है कि उसकी सुजान के साथ मैरिज जो है वो काफी अच्छी थी कुछ समय तक, जब तक कि किसी ने सुजान को ये नहीं बताया कि उनकी शादी जो है वो मजाक थी। और जब उसे ये बात समझ में आई तो उसकी कंडीशन बहुत ही मिजरेबल खराब हो गई। और न्यूसन जो है वो कहता है कि मैंने खुद ने ही उसे ये विश्वास दिलाया था कि मैं समुद्र में कहीं खो गया हूँ या मर गया हूँ, मतलब उसने न्यूज फैलाई थी एक तरह से। हैंचर्ड को वो बताता है कि उसने सुजान की डेथ के बारे में सुना है और एलिजाबेथ जेन के बारे में पूछता है वो। हैंचर्ड उसे कहता है कि लड़की भी मर गई है, एलिजाबेथ भी मर गई है, और न्यूसन जो है वो दुखी होकर वहां से चला जाता है। हालांकि ऐसा लग रहा है उसको कि न्यूसन चला गया है, परंतु हैंचर्ड अभी भी बहुत ही डरा हुआ है कि उसका जो ये धोखा है वो जल्दी ही न्यूसन को के सामने आ जाएगा और न्यूसन वापस आ जाएगा एलिजाबेथ जेन को उससे दूर ले जाने के लिए। एलिजाबेथ जेन जगती है और दोनों जो है वो ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। जब वो जाती है तो बहुत ही वो निराश या बेचैनी से भर जाता है। उसे ये महसूस होने लगता है, डर होने लगता है कि वो उसे भूल जाएगी। और ये बात सोचते हुए कहा जाता है वो रिवर है जो उसके पास चला जाता है, जो कैम्ब्रिज के कैस्टर ब्रिज के थोड़ा सा ही बाहर है, अपने आप को डुबाने यानी कि पानी में कूदकर जान देने के विचार से। जब वो अपने आप को पानी के अंदर गिराने वाला है या कूदने वाला है तो उससे अपनी इमेज दिखती है उस पूल, तो नहीं बोलते रिवर ही बोलेंगे, अब पूल लिखा हुआ है, लेकिन रिवर में अपनी वो इमेज देखता है और वो अपने आप को रोक लेता है छलांग लगाने से। हैंचर जो है वो घर लौटता है और एलिजाबेथ जेन को अपने दरवाजे के बाहर वेट करता हुआ पाता है। वो कहती है कि वो इसलिए वापस आई है क्योंकि वो सुबह बहुत ही निराश या बहुत ही दुखी दिख रहा था। वो उसे रिवर के पास लेके आता है अपनी इमेज दिखाने के लिए, और उसे यानी एलिजाबेथ जेन को महसूस होता है कि ये वो पुतला है जो उसके मिट्टी राइट में जो गधे पे या बिठाया गया था ना, जो किसका, लुसेटा का और अपने व्हाट्स द नेम हैंचर का। सो हैंचर जो है वो रिमार्क करता है, बोलता है कि कितनी स्ट्रेंज बात है कि वो परफॉर्मेंस जिसने एलिजाबेथ लुसेटा की जान ले ली उसे जिंदा रखा है उस परफॉर्मेंस ने, मतलब उसे अपनी इमेज देख के ही वो कूदने से बच गया। एलिजाबेथ जेन जो है वो महसूस करती है कि उसे पूछना चाहिए कि मतलब इसका मतलब क्या है, वो जानना चाहती है इसका मतलब क्या है स्टेटमेंट का कि जिस परफॉर्मेंस ने लुसेटा की जान ली उसी ने उसे बचा लिया। और उसे पूछती है कि क्या वो उसके साथ रह सकती है, और वो बहुत ही खुशी खुशी इस बात को अपनी सहमति प्रदान कर देता है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 41 जो है वो फिनिश हो जाता है। चैप्टर नंबर 42 में हम देखते हैं कि हैंचर जो है वो न्यूसन के आने से लगातार डरता रहता है, मतलब कभी भी आ सकता है वो। और इसी दौरान वो दोनों एलिजाबेथ जेन और हैंचर जो हैं वो खुशी खुशी उस घर में रहते हैं। वे फायरफ्लाई को कभी कभार मिलते हैं या देखते हैं। हैंचर जो है उसकी एक छोटी दुकान है बीजों की, और मतलब बीज जड़ बोल सकते हो आप, जिसमें पौधे उगाने के जैसे काम आती हैं। और फायरफ्लाई और दूसरे जो मेंबर्स हैं टाउन के काउंसिल की, उन्होंने मिलकर खरीद के दिया उसको। एक दिन हैंचर जो है वो फारफ्रे को एलिजाबेथ जेन को देखते हुए देखता है ना, सो क्वाइट फैसिनेटिंग। और वो इस पॉसिबिलिटी के बारे में सोचने लगता है कि वो उन दोनों को वापस से कैसे मिलाया जाए या वापस कैसे मिले वो। और हालांकि पर्सनली वो इस आइडिया को बहुत अपोज करता है, परंतु उसे ऐसा लगता है कि एलिजाबेथ जेन को ये डिसीजन करना चाहिए खुद का उसका। जैसे जैसे समय बीतता है एलिजाबेथ जेन और फारफ्रे जो हैं वो फ्रीक्वेंटली मिलने लगते हैं ज़्यादा, और अंततः जो है हैंचर जो है वो क्या करता है, उनकी इंटीमेसी कितना उनमें लगाव हो गया है, कितना उनमें करीबी वो हो गए हैं, वो उसका प्रूफ उसको मिल जाता है जब एलिजाबेथ जेन को फारफ्रे किस करता है।
और इसी के साथ हमारा चैप्टर 42 खत्म होता है। मूव टू चैप्टर नंबर 43। हंटर जो है उसको इस बात की चिंता अभी भी सता रही है कि एलिजाबेथ जेन अगर पार्फरे से शादी कर लेती है तो उसका क्या होगा। एक दिन जब वो एलिजाबेथ जेन और फारफ्रे की मिलने की जगह को वो जब वो जासूसी कर रहा होता है टेलीस्कोप से, तो उसे न्यूसन दिखता है टेलीस्कोप में। जब एलिजाबेथ जेन घर आती है तो, और अब तक वो न्यूसन से मिली नहीं है, परंतु वो हैंजर्ड को बताती है कि उसे एक लेटर मिला है जिस में उससे किसी ने कहा है मिलने के लिए फारफ्रे के घर पे। और उसको बड़ी हैरानी होती है कि हैंजर्ड कहता है कि वो कास्टरविक छोड़ के जाना चाहता है, चला जाएगा उसी इवनिंग को। एलिजाबेथ जेन जो है वो ये मानती है कि शायद वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो फारफ्रे और उसकी शादी को अपोज कर रहा है, परंतु वो उसको अश्योर करता है कि ऐसा कोई केस नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हैंजर्ड जो है वो अकेला उस टाउन से चला जाता है और अपने फेट को, अपनी किस्मत को वो केन जो बिब्लिकल फिगर है, पिछली बार एक क्वेश्चन आया था आपको याद होगा, पिछली बार मतलब पिछली से पिछली बार 2015 वाले एग्जाम में आया था ये, और वो कहता है कि मेरा जो पनिशमेंट है वो जितना मैं बेयर कर सकता हूँ, जितना मैं सहन कर सकता हूँ उससे ज्यादा नहीं है, मतलब मैं अपने पनिशमेंट को सहन कर सकता हूँ। उसी इवनिंग फारफ्रे के घर पे एलिजाबेथ जेन जो है न्यूसन से मिलती है और इमिडिएटली समझ जाती है कि हैंजर्ड जो है वो अचानक से क्यों चला गया। उसे बहुत खुशी होती है अपने पिता से मिलने पर, जिसको वो समझ बैठी थी कि वो मरे हुए हैं, परंतु उसे बहुत दुख होता है जब उसे पता लगता है कि हैंजर्ड ने उसे धोखा दिया है। न्यूसन और फारफ्रे जो है वो वेडिंग की प्लानिंग करने लगते हैं और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 43 फिनिश हो जाता है। चैप्टर नंबर 44 में पता लगता है हमें कि हैंजर्ड जो है वो गांव में से होता हुआ अंततः वेडन प्राइस में पहुंचता है, जहां पे उसने अपनी बेटी और अपनी पत्नी को बेचा था लगभग 25 साल से भी ज्यादा पहले। वो उस घटना पे पास्ट की रिफ्लेक्ट करता है, सोचता है उसके बारे में और वहां से चला जाता है। लगभग 50 मील की दूरी पे से कास्टरविच से वो रहने लगता है वहां पर, मतलब 50 मील की दूरी पे, और हे ट्रसर के रूप में काम करने लगता है। वो कुछ ट्रेवलर से बात करता है जो कास्टरविच से आए हैं और पता लगता है कि जो फारफ्रे और एलिजाबेथ की शादी है वो सेंट मार्टिन्स डे पे होगी। याद रखना, एक क्वेश्चन बन सकता है कि शादी कब होगी, सेंट मार्टिन्स डे पे। वो डिसाइड करता है कि वो कास्टरविच जाएगा वेडिंग के लिए और अपनी यात्रा को शुरू करता है, और वेडिंग से एक रात पहले जो है वो एक पास के ही टाउन में रुकता है और कपड़े खरीदता है अच्छे, और एक प्रेजेंट के रूप में, गिफ्ट के रूप में एक गोल्ड फ्रिंच बर्ड होता है जो कि पिंजरे में बंद है, उसको खरीदता है। याद रखना, प्रेजेंट क्या दिया उसने, गोल्ड फ्रिंच बर्ड जो है केजल। जब हैंजर्ड फारफ्रे के घर पे आता है कास्टरविच में, तो सेलिब्रेशन जो है वो पहले से चल रहा है। जैसे वो आता है तो वो उस बर्ड को एक बुश के पास छोड़ देता है और वो डांसिंग जो चल रही है उसको बिना दिखे, मतलब खुद दिखाए बिना अपने आप को देखता रहता है, जब तक कि एलिजाबेथ जेन का की जो हाउसकीपर है, या जो का जो हाउसकीपर है वो उसे बताता है कि एक विजिटर है, कोई मिलने आया है। वो उसे देख, उसे मिलने आती है और उसे डांटती है न्यूसन के बारे में धोखा देने के लिए, और इतना ज्यादा इमोशनलेसली उसका स्वागत हुआ है या उसका वेलकम किया गया है, इस कारण से वो वहां से जाने का सोचता है और प्रॉमिस करता है कि वो वापस उसको कभी भी सताएगा या तंग नहीं करेगा उससे मिलके। इसी के साथ चैप्टर नंबर 44 फिनिश होता है एंड वी मूव टू चैप्टर नंबर 45। चैप्टर 45 में हमें पता लगता है कि काफी दिन बाद शादी के एलिजाबेथ जेन को वो पिंजरा मिलता है जिसमें वो पक्षी होता है, लेकिन वो मर चुका है क्योंकि उस भूख से, स्टारवेशन से काफी दिन से पड़ा था वो ना। उसे हैरानी होती है कि ये कहां से आया। लगभग एक महीने बाद उसकी जो सर्वेंट्स हैं उससे बात करने के बाद एलिजाबेथ जेन को पता लगता है कि हैंजर्ड वो बर्ड लाया होगा गिफ्ट के रूप में, और इसे बड़ा पछतावा होने लगता है कि उसने उसको कैसे, किस पूरे तरीके से ट्रीट किया था। जब फारफ्रे आता है तो वो उसे बोलती है कि वो उसकी मदद करे हैंजर्ड को ढूंढने में, ताकि वो उसके साथ अपनी शांति साबित कर पाए, मतलब अपने संबंधों को जो बिगड़े हुए हैं उनको ठीक कर पाए। वो हैंजर्ड को ढूंढते हैं और उन्हें पता लगता है कि वो एबल विटल के कॉटेज में है, जो उन्हें बताता है कि वो अभी अभी मरा है, मतलब हैंजर्ड मर गया है। वो उन्हें एक पेपर का टुकड़ा देता है जिसपे, जिसको हैंजर्ड ने छोड़ा है, उस पर क्या लिखा हुआ है, उसकी विल है एक्चुअली, वो उसमें क्या लिखा हुआ है कि एलिजाबेथ जेन को उसकी डेथ के बारे में ना बताया जाए और उसे किसी, मतलब विधिवत जगह पे दफनाया ना जाए, मतलब जैसे एक उनके ग्रेवयार्ड होते हैं वैसे, कोई सेरेमनी ना हो उसकी, और कोई उसके लिए रोए ना, कोई उसके लिए दुखी ना हो,
और कोई उसे याद भी ना करे। एलिजाबेथ जेन जो है उसे बड़ा पछतावा होता है कि उसने कितना हार्श ट्रीटमेंट किया हैंचर्ड का या हैंचर्ड के साथ आखिरी बार जब वो मिले थे, और वो निश्चय करती है कि वो उस व्यक्ति की डाइंग विशेष को पूरा करेगी जितना वो कर सकती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो एक शराबी था शुरुआत में, अपनी पत्नी को अपनी बेटे को बेटी को बेच देता है और अमीर बनता है और फिर से गरीब बन जाता है। और हम ये देखते हैं कि ये व्यक्ति पूर्णतया विलन भी नहीं है, लेकिन इसके साथ घटनाएं ऐसी होती हैं, ऐसी सर्कमस्टेंसेस उत्पन्न होती हैं, पैदा होती हैं कि जो काम जो उसने किए हैं वो उसे करने पड़ते हैं और उसके डाउनफॉल को लेके जाते हैं वो काम उसको। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, दैट इज हैंचर्ड। सो बाकी हम टेस्ट वेस्ट की बात करेंगे अपने ग्रुप में। ओके, दैट विल बी ऑल। थैंक यू।